गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेक्चर ऑफ सिंपल मशीन इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. इन आवर अर्लियर सेशन वी हैव लर्न्ड अबाउट टेक्निकल टर्म्स ऑफ द सिंपल मशीन. फॉर एग्जांपल्स लोड, एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, इफिशियंसी, ईटीसी. इन आवर प्रेजेंट सेशन लेट अस लर्न अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो. फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले और मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट्स मिल सके. सो शुरू करते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन इफिशियंसी, वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज. इन लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि इन केस ऑफ लीवर्स विच कैन टर्न अबाउट ए पॉइंट कॉल फल्क्रम, इट इनेबल्स अ स्मॉल एफर्ट टू ओवरकम ए लार्ज लोड. एंड यह तभी संभव है जब मेरा जो लोड का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फल्क्रम वो मस्ट बी लेस देन डिस्टेंस ऑफ एफर्ट फ्रॉम द फल्क्रम. दैट मीन्स टू लिफ्ट ए लोड विथ लीस्ट एफर्ट. सबसे पहला क्या हो कंडीशन, प्लेस द लोड एज क्लोज द फल्क्रम एज पॉसिबल एंड अप्लाई द एफर्ट एज फार फ्रॉम द फल्क्रम एज पॉसिबल. मीन्स इस केस में मेरा बी जो होगा ऑलवेज लेस देन ए होना चाहिए. फॉर किसके लिए, टू लिफ्ट ए लोड विथ लीस्ट एफर्ट. हमको एफर्ट कम लगे इसके लिए मेरा क्या होना चाहिए, फल्क्रम से लोड का डिस्टेंस जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए फल्क्रम से एफर्ट की डिस्टेंस की तुलना में. या कह सकते हैं कि फल्क्रम से जो एफर्ट का डिस्टेंस है वो फल्क्रम से लोड की डिस्टेंस की तुलना में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए. तभी हम जो है वो लोड को लेस्ट एफर्ट लगा के उसको हम लिफ्ट कर सकते हैं. नाउ कंसिडरिंग ए लिफ्टिंग मशीन whose efficiency is required to be find out. Now, मैंने यहाँ पे दिखाया है in case of lever, एक साइड मैंने लोड को यहाँ पे प्लेस किया है एंड दूसरे एंड पे यहाँ पे एफर्ट मैंने अप्लाई किया है. लोड मेरा आउटपुट की तरह एक्ट होगा और एफर्ट जो होगा मेरा वो क्या होगा, इनपुट होगा. सो अगर हम यहाँ पे एफर्ट अप्लाई करते हैं तो एफर्ट अप्लाई करने के कारण लोड जो है वो एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस्ड हो जा रहा है एंड एफर्ट जो मेरा है वाई डिस्टेंस से डिस्प्लेस्ड हो जा रहा है. दैट मीन्स वाई इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट इन लिफ्टिंग द लोड एंड एक्स डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड. सो अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे समझ सकते हैं इस तरह से, मेरा इस पॉइंट के अबाउट ये पिवोट है और इस पॉइंट के अबाउट ये टर्न हो सकता है. सो यहाँ पे अगर हम एफर्ट अप्लाई करेंगे तो ये लोड क्या होगा, ये इस तरह से डिस्प्लेस्ड होगा. मीन्स अगर ये मेरा डिस्टेंस वाई है, मीन्स डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इन लिफ्टिंग द लोड. सो डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड क्या हो जाएगा, मान लिया कि एक्स है, मीन्स ये भी जो लोड भी है वो कुछ डिस्टेंस से वो क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा. सो इस तरह से मैंने यहाँ पे फिगर में दिखाया है कि यहाँ पे एफर्ट पी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. मीन्स एफर्ट पी इक्वल टू एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड, डब्ल्यू लोड लिफ्टेड बाय द मशीन एंड वाई डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट इन लिफ्टिंग द लोड एंड एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड. सो इस केस में मेरा मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, W by P. जानते हैं लोड बटा एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज कि Y बटा X, जहां पे X क्या है मेरा डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड एंड Y क्या है डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट इन लिफ्टिंग द लोड. सो VR क्या होता है, Y बटा X यहाँ पे मेरा ये हो जाएगा. नाउ हमको यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी के बीच में. सो वी नो दैट मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, W बटा P. एंड
वेलोसिटी रेशियो क्या होता है मेरा, वाई बटा एक्स, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। सो इफिशियंसी यहां से निकल जाएगा मेरा, आउटपुट ऑफ ए मशीन टू द इनपुट ऑफ ए मशीन। मीन्स कह सकते हैं कि मेरा आउटपुट ऑफ ए मशीन क्या होगा, लोड लिफ्टेड इंटू डिस्टेंस थ्रू विच द लोड हैज बीन लिफ्टेड। डिस्टेंस जितना कि वो लोड लिफ्ट हुआ, मीन्स इसका पोजिशन यहाँ पे था और ये एक्स डिस्टेंस से ये जो है वो लीड लिफ्ट हो गया, मीन्स जो हो गया मेरा क्या हो गया वैल्यू डब्लू इंटू एक्स। एंड कह सकते हैं कि आउटपुट ऑफ ए मशीन क्या हो जाएगा मेरा, डब्लू इंटू एक्स। एंड इनपुट ऑफ ए मशीन क्या होगा, एफर्ट अप्लाइड, एफर्ट कितना अप्लाई किया, पी इंटू डिस्टेंस थ्रू द एफर्ट हैज मूव्ड। डिस्टेंस जितना कि एफर्ट मूव कर जाए, मीन्स एफर्ट जो मेरा वाई डिस्टेंस से मूव्ड हुआ, मीन्स इंटू वाई, यानी पी इंटू वाई। सो यहां से मेरा एफिशिएंसी आ गया मेरा डब्ल्यू बाई पी डिवाइडेड, कह सकते हैं वाई डिवाइडेड एक्स। W by P यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, Y बटा X क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे इफिशियंसी इक्वल टू क्या कैलकुलेट किया, मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो। सो ये मेरा जो है वो रिक्वायर्ड मेरा एक्सप्रेशन है, मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी। From the above relation, we see that values of mechanical advantage and velocity ratio are equal only in case of a machine whose efficiency is 100%. That means कह सकते हैं कि if efficiency is 100%, in this case मेरा mechanical advantage जो है वो velocity ratio के बराबर हो जाएगा। Means दोनों इक्वल तभी होगा जब इफिशियंसी क्या होगा मेरा 100% होगा। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल। ऑल्सो मशीन इफिशियंसी इज ए फ्रैक्शन लेस देन 1 एंड नो डिवाइस इज अवेलेबल इन द यूनिवर्स हुज इफिशियंसी इज 100%। दिस इंप्लाइज दैट वर्क इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द यूजफुल वर्क ऑब्टेंड। मीन्स हमको अगर ऐसा मशीन चाहिए जिसका की इफिशियंसी 100% से कम हो, या कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स में ऐसा कोई मशीन नहीं है जिसकी इफिशियंसी 100% हो सकती है, और ये तभी संभव है जब मेरा वर्क इनपुट जो है वो हमेशा यूजफुल वर्क से क्या हो, ग्रेटर हो। दैट मीन्स हर हाल में मेरा पी वाई जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए डब्ल्यू एक्स से। क्यों, इफिशियंसी इक्वल टू मेरा क्या होता है, डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड यहां से डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड पी वाई। सो मेरा जो इनपुट ऑफ ए मशीन है क्या है, पी वाई है। सो इनपुट हमेशा बड़ा होना चाहिए आउटपुट ऑफ ए मशीन से, दैट मीन्स पी वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन डब्ल्यू इंटू एक्स। सो दैट मीन्स कह सकते हैं कि y डिवाइडेड x ग्रेटर देन w बटा p, या कह सकते हैं कि vr जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन मैकेनिकल एडवांटेज से होना चाहिए। मीन्स vr जो है ऑलवेज ma की तुलना में क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी जो मेरा है इफिशियंसी वो 100% नहीं होगा। सिंस मैकेनिकल एडवांटेज इज यूजुअली ग्रेटर देन 1, द vr would also be greater than 1. Hence, कह सकते हैं कि इन सिंपल मशीन अ स्मॉल फोर्स वेन अप्लाइड थ्रू ए लार्ज डिस्टेंस ओवरकम अ लार्ज फोर्स थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस। मीन्स हमको स्मॉल फोर्स अप्लाई हो, मीन्स स्मॉल फोर्स के थ्रू हम किसी वेट को लिफ्ट कर सके, उसके लिए क्या होना चाहिए, मेरा जो है अप्लाइड डिस्टेंस जो होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए इन कंपेरिजन टू लोड का जो डिस्टेंस है उसकी तुलना में। सो इन ए सिंपल मशीन अ स्मॉल फोर्स व्हेन अप्लाइड थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस
ओवरकम अ लार्ज फोर्स थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेन किया रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी। इस पे बेस्ड मैं आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने जा रही हूँ। सो मेरा न्यूमेरिकल है, इन अ वेट लिफ्टिंग मशीन एन एफर्ट ऑफ 50 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड डब्लू, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड एंड एफर्ट आर 20 mm एंड 500 mm रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड डब्लू इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज 80%। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास गिवन डाटा क्या है। सबसे पहले क्या है मेरे पास, पी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 50 न्यूटन इन ए वेट लिफ्टिंग मशीन एंड एफर्ट ऑफ 50 न्यूटन। एफर्ट कितना है 50 न्यूटन, मीन्स पी का वैल्यू कितना है 50 न्यूटन। इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड मीन्स डब्लू, डब्लू का जो वैल्यू है वो हमको फाइंड आउट करना है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड दिया हुआ है यहाँ पे, मीन्स कह सकते हैं कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड यहाँ पे दिया हुआ है 20 mm एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट कितना है मेरा 500 mm। नाउ सो हमको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड, जबकि इफिशियंसी मेरा दिया हुआ है, इफिशियंसी कितना दिया हुआ है 80% मीन्स 0.8 मेरा इफिशियंसी दिया हुआ है। सो हम जानते हैं कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट मीन्स 500 इज टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड मीन्स क्या है 20। सो ये आ गया मेरा 25। एंड इफिशियंसी ऑफ ए मशीन क्या होता है, अभी मैंने रिलेशन फाइंड आउट किया मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो। सो यहाँ से हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट कर सकते हैं इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। इफिशियंसी मेरा है 0.8 एंड वेलोसिटी रेशियो मेरा है 25। सो ये आ गया 20। नाउ मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, डब्ल्यू बटा पी। सो यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू मैकेनिकल एडवांटेज। पी मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 न्यूटन एंड मैंने मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट किया यहाँ पे 20। सो 20, सो 50 × 20 मीन्स कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन। मीन्स डब्ल्यू का जो मेरा मान आ गया, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड जो आया वो 1000 न्यूटन है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। सो वीडियो के पसंद आने पे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।